हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं स्टूडियो में, और मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मीन्स मैं कर गई थी, अपलोड करने से पहले वॉइस ओवर कर देती हूँ मैं। तो हम गए थे स्टूडियो क्योंकि बच्चों का कपड़ा भी पेंडिंग था लेना, तो बच्चों को लेकर जाना ज़रूरी था क्योंकि मैं इन लोग के साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन कपड़े थे इन्हीं लोग के, तो इनको ले जाना ज़रूरी था। माँ ही आई थी तो मैंने बोला चल तू चल मेरे साथ, तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो वो शूट कर रही थी तो यहाँ मैं बाबू के लिए कपड़े देख रही थी। मैंने ज़्यादा हैवी चमक धमक नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं ऐसा लेना चाहती हूँ कि बच्चे वापस से कंफर्टेबली उसको पहन सके, वरना हैवी कपड़े वो चाहे मतलब लड़कियों के ज़्यादा वैसे होते हैं। मैं कायरा के लिए भी प्रीफर करती हूँ कि कॉटन के सॉफ्ट टी शर्ट या ड्रेसेस वगैरह जो भी रहे, ताकि बाद में भी सारे मतलब सारे वेदर में हम उसको यूज़ कर सकें। तो मैं वैसा कपड़ा देख रही थी, तो मैंने कायरा के लिए ऑलरेडी पहले से एक स्कर्ट देखा था, वो जूडियो में नहीं मैक्स में देखा था। तो अभी मुझे बाबू के लिए जूडियो से लेना था, तो मैं बाबू के लिए देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये पैंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन उसके साइज़ की नहीं मिली मुझे, ज़्यादा गंदा कर, ये कलर की उसके पास पैंट नहीं है, उसका तो ध्यान ही नहीं था, वो तो सिर्फ खेलने में बाहर देखने में बिजी था रोड वगैरह। और इधर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी, तो देखा देखा फिर उसके बाद मैंने उसका छोड़ के मैंने बोला कायरा को एक फ्रॉक पसंद आया था तो मैंने सोचा उसको ट्राई करा देती हूँ और ये मेरी तरफ से उसको गिफ्ट हो जाएगा। मैंने अब तक उसके लिए गिफ्ट लिया नहीं था, तो ये फ़्रॉक उस पर अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। उसके बाद शिवाय का भी कपड़ा ले चुके थे, परेशान कर रहा था, चप्पल वप्पल उतार दिया था, तो माँ ही उसको पहना रही थी और मस्ती चालू थी ये लोग की। हम स्टूडियो से निकल के जा रहे हैं मैक्स, चलो आ जाओ, उतार दे माय उसको लिफ्ट से। नहीं चलो तो गाइज़ यहाँ पर हम आ चुके हैं मैक्स में, और कायरा का कपड़ा हमने ले लिया था तो वो ट्रायल के लिए माँ ही गई थी ट्राई करवाने के लिए, तो यहाँ वो ट्राई कर रही थी। लॉक किया था ये लोग ने दरवाज़ा, और उसके बाद मैं आ गई घर पे, और मेरे पैर में बहुत दर्द था तो मैं गर्म पानी में पैर डाल के बैठी हुई थी। और कपड़े लेकर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट क्या ही किया, कुछ नहीं किया, टाइम हो गया था बच्चों के ट्यूशन का, तो शिवाय गया नहीं, कायरा गई ट्यूशन, और मैं बोल रही थी चला जा क्योंकि फिर कल संडे है, फिर परसों मंडे रक्षाबंधन है, छुट्टी होगा, लेकिन फिर भी बोलती देखो कैसे बेशरमों की तरह बैठा है, बेशरम कहीं का। मेरी हालत देखो, मेरे पैर के दर्जों में इतना ज्यादा दर्द है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जो लड़की कभी डांस नहीं करती, आप लोग मुझे साल में दो बार ही डांस करते हुए देखोगे, एक लोग है गणपति, गणपति दूसरा नवरात्रि, नवरात्रि में गरबा और गणपति में ये वाला डांस कभी छुट्टी वाला मैं कुछ हो गई, लेकिन आज सब डांस वगैरह है तो वो कर दिया। लेकिन एक मतलब अभी मैं किसी और से बात कराऊंगी जिसको इनका पूरा नॉलेज है, मगला गौन करके कुछ मराठी लोगों का कुछ फेस्टिवल है कि क्या होने जा रहा नहीं है, और वो सब सावन में होता है। हाँ सावन में ही होता है, मैं कुछ गलत बोल भी उसने मैं कुछ उसके बारे में बोल नहीं रही हूँ, तो वो कुछ एक है तो उसका पार्टिसिपेट किया सारे ऑर्डरों के साथ। दूसरे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी चलो, आप भी करो, घर लोग उसका रिहर्सल चालू है और पैर की बच चुकी है बैंड, इस वजह से मेरी मामी बुढ़ी हो चुकी है, इसके लिए पैर सिखाना पड़ा। एक दो ना कुछ कुछ स्टेप्स है ना जो मुझसे नहीं हो पा रहे पैर की दर्द की वजह से, मैं बोली कि दिन नजदीक आ रहा है तो मुझे पैर को अपने सही करना है। मैंने बोला आज पे गर्म पानी में डालू, बीच पे एक बार और किया था लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, और ये देखो ये पहरेदारी कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है मिट्टू, आज बेचारे मेरे मिट्टू का पंख काट चुके हैं। तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके थे, पैर में थोड़ा आराम था तो विनय को देखना था स्त्री 2,
तो वो हम देखने आए थे। यहाँ पे हुआ था इंटरवल और शिवाय की बातें चालू थी। कैसा लगा आपको? अच्छा अच्छा। अभी क्या हुआ है? अभी इंटरवल। लोग जाते अपना पॉपकॉर्न लेते हैं और बर्गर लेते। आपने क्या खाया था? आपने तो हाथ से साथ ही खाया था ना। चलो बाय बाय बोलो। बाय बाय। इस बार अरे मम्मी अभी बाकी था।